हेलो एवरीवन, इस कोर्स में हम ऑब्जेक्टिव सी के बारे में समझेंगे। तो ये कोर्स 100% प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है। तो हम इस कोर्स में कवर कर रहे हैं कंपाइलेशन, इंक्लूड वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, फंक्शंस, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर्स और प्रोग्रामिंग की कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे कि ब्रांचिंग, लूपिंग, लॉजिकल ऑपरेशंस, और साथ ही साथ हम इसमें क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, एरेज और डायनेमिक बाइंडिंग के बारे में भी समझेंगे। तो आइए अब हम ऑब्जेक्टिव सी कोर्स पर बेस्ड वीडियो का एक छोटा सा सैंपल देखते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। मैं आपको फोकस करना चाहता हूँ प्रिंट एफ पे। तो प्रिंट एफ एक्चुअली इन डबल कोट्स के अंदर जो भी हम लिखते हैं उसे प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें बैक स्लैश एन की, तो इसका यूज़ न्यू लाइन में दी हुई स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब हम अपने इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारा आउटपुट आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो है हेलो वर्ल्ड। तो आइए कुछ अन्य स्टफ्स यहाँ पर परफॉर्म करके देखते हैं, क्योंकि प्रिंटएफ काफ़ी आसान चीज़ है जो आपको शायद समझ में आ गई होगी। अब आइए देखते हैं कि फॉर लूप किस लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो आपको यहाँ पर सबसे पहले दिखाई देगा इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पर जब हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है जो इंटीजर टाइप है, विच इज़ इंटीजर आई, और हमने एक वैल्यू से इनिशियलाइज किया है जो है ज़ीरो। तो जैसे जैसे फॉर लूप अपना एक्शन परफॉर्म करता है वैसे वैसे ये वैल्यूज़ चेंज होती जाती हैं। इसके बाद आते हैं कंडीशन पर, और ये कंडीशन इस चीज़ को बताती है कि आप आखिर आई को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर एक कंडीशन दी है विच इज़ आई इज़ लेस देन ए आर जी सी। तो ये आर जी सी वही है जो हमने अपने मेन फंक्शन में पास किया है। तो जब भी हम कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पर प्रिंट करते हैं, जैसे हमने अगर प्रिंट की है आई एम हैप्पी, तो वो इस आर जी सी के द्वारा अलग अलग बॉक्स में प्रिंट होती है। हम कह सकते हैं कि इसके लिए एक अलग अलग एरे इसे स्टोर करने के लिए एक एड्रेस लेता है, और ये इंडेक्स हो सकती हैं जैसे ज़ीरो के लिए आई एंड देन वन के लिए एम एंड देन टू के लिए हैप्पी। तो इसके बाद अगर हम बात करें इंक्रीमेंट पार्ट की, तो आखिर इंक्रीमेंट कहाँ से होगा? उसके लिए हमें प्लस प्लस साइन यहाँ पर ऐड करना होगा, क्योंकि हमें वैल्यूज़ ज़ीरो से लेकर जितनी भी लंबी हमें स्ट्रिंग प्रिंट करनी है उतनी लंबी स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए हमें इसे इंक्रीमेंट करना होगा।